अभी हम लोग निकलेंगे घाटी, डायरेक्ट घाटी के लिए, डायरेक्ट घाटी वापस दिल्ली जा रहे हैं अभी। वापस दिल्ली हम लोग पहले अनिनी गए। अच्छा सर, अनिनी। हाँ अनिनी कर लिया। अभी तवांग जाने का प्लान था, लेकिन इंजोर हो गया ना ये उसके पैर में। ओ अच्छा अच्छा अच्छा। फिर डर लगता है आगे जाके, फिर डॉक्टर नहीं मिले या कुछ। डॉक्टर है वहाँ पे, सब कुछ मिल जाएगा। उल्टा से ज्यादा दूर था, सैलाब पहुंच गया था, पास में था। पास में था तवांग वैसे। हाँ बुमला उमला जाने का प्लान था। क्लाइमेट भी और अच्छा हो गया। अच्छा हो गया सही में, आज तो क्लाइमेट बहुत अच्छा था। लेकिन कोई बात नहीं, अगले बार नेक्स्ट टाइम। और मैं ना ये इस अपने गाड़ी को भी थोड़ा सा भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि तो टू व्हील ड्राइव है ना ये। हाँ जी जी, टू व्हील है। अगर फोर व्हील ड्राइव होता अभी ऐसे है ना सर जी, ऊपर आप बुमला सुमला जाएगा। हाँ वहाँ में आपको फोर व्हील जरूर नहीं। अच्छा क्योंकि रास्ता अच्छा है, सिर्फ स्नो होने से तब फोर व्हील ना, फोर व्हील। और हो सकने से आप क्या करना है, जब आइस मिले, जब स्नो होता है ना सर, तो आपको चेन तो मिलेगा नहीं। हाँ रस्सी, रस्सी रस्सी मैंने कल खरीदा था जी। वो रस्सी ना आपको चारों में बनना जरूर नहीं, जो आपका जो घूमता है फ्रंट वाला। हाँ जी बस उसमें लगा दीजिए, सिर्फ स्किप नहीं कराना। बिल्कुल तो बिल्कुल, देगा भी नहीं रस्सी, आपको मंजिल पहुंचा देगा वो। बिल्कुल, मेरा पता नहीं क्यों ना मन नहीं किया फिर वापस जाने के लिए, दिल नहीं माना तो। हाँ सही में मैंने कहा चलो अगर ये रह गया तो अगली बार आने का मौका तो मिलेगा फिर, है ना। हाँ बाबा बाय 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 बाय। क्या बाइकर्स हो यार तुम लोग, बात वहाँ पे पूछ रहा हूँ रास्ता, कोई सुन ही नहीं रहे हो तुम लोग, क्या फायदा यार। आपको तो बोला ना रास्ता, क्या बोला तुम हम करके जा रहे हो यार। बाइकर्स हो, कोई अगर मदद मांगे है तो उसका मदद किया करो। आप तो चार पांच लोग हो यार, मैं दिल्ली से अकेला आया हूँ। खड़ा होकर बात किया उससे, आप कोई पीछे था एक बंदा, हाँ खड़े होकर बात कर रहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट रुक के बंदा क्या बोल रहा है वो सुनना चाहिए ना एटलीस्ट। पूछे थे, मैं बोला था। आप लोग चार पांच और डर रहे हो, मैं अकेला दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से ओके ओके अरुणाचल ट्रिप में कहाँ बैठे अभी तो गुवाहाटी जा रहा हूँ। गुवाहाटी जाएगा? हाँ। अच्छा ये छोटी जाएगा, हम यही क्या है, चलिए उदलगुरी तक जा सके हम लोग। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अभी तो टेंशन नहीं है, मैं बस वहाँ रास्ता घूम गया था। मैं बस घूम गया मतलब उदलगुरी। आप लोग उदलगुरी जाएगा कि नहीं? उदलगुरी पता नहीं, मैं तो मैप फॉलो कर रहा हूँ, मैप जहाँ ले जाएगा मैं अकेला हूँ। अच्छा टेंशन नहीं है तो चले उदलगुरी। नहीं 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 ठीक है चलो ओके। मैं बस ये बाइकर्स को बोल रहा था ना कि एटलीस्ट मदद किया करे लोगों को। चार पांच बाइकर्स थे वहाँ पे, मैं रास्ता थोड़ा सा भटक गया था, मैंने सिग्नल दिया इनको पूछने के लिए ना कि कहाँ से है, रुकने का नाम ही नहीं, बस जा रहे ऐसे ही। पीछे एक बंदा हल्का सा रुका, वो क्या बोल रहा है वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। घंटे का बाइकर्स हो, अगर कोई मदद मांग रहा है उसको मदद करो, चार पांच लोग हो फिर भी डरते हो हा? कि कोई कुछ कर लेगा रास्ते में। बैंचोत में अकेला हूँ, दिल्ली से अकेला ट्रैवल कर रहा हूँ, और तुम चार पांच लोग हो फिर भी डरपोक कह के। वो जो बाइकर्स थे वो वेस्ट बंगाल के थे मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि सारे नंबर प्लेट जो है वो WB है। तो क्या वेस्ट बंगाल के बाइकर्स इतने फट्टू होते हैं क्या, इतना डरपोक होते हैं? अगर कोई मदद मांगे रास्ते में वो ऐसे इग्नोर करके चले जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को मदद चाहिए होता है तो। इतना फट्टू है, चार पांच लोग बाइकर्स हैं फिर भी डरते हैं। पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि नहीं कुछ कर देगा तो, ऐसे सोचते होंगे ना इसलिए डरते हैं, भाग रहे हैं बस। मैं बोल रहा हूँ वो सुन ही नहीं रहे, भाग रहे वो, अजीब है यार। मैं 4,000-6,000 किलोमीटर 8,000 किलोमीटर में अभी होने वाला है मेरा, मैं अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, पता नहीं कौन कौन से रोड पे मैं गया हूँ, बिल्कुल खतरनाक वाली रोड पे गया हूँ अकेले, बिल्कुल सुनसान रास्तों पे, फिर भी नहीं डरा मैं। बहनचोद इतना चार पांच बंदे हैं बहनचोद, फिर भी
फट्टू साले, वेस्ट बंगाल के बाइकर्स इतना फट्टू होते हैं मदद करने के लिए, मतलब क्या बोलूं मैं, ऐसे फट्टू इंसान ट्रैवल कर रहे हैं डरपोक कहीं के।